डायबिटीज जो है हर लोगों को हो सकती है, चाहे वह महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आज हम ये बताना चाहेंगे कि जो महिलाओं में गर्भवती जब वो बनती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनको जो डायबिटीज होती है उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जो अक्सर हम देखते हैं 24 से 26 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो प्रेग्नेंट रहती है उसमें अक्सर डिटेक्ट होती है। और ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इसको कंट्रोल में ना रखें तो इसका असर मदर पर भी और फीटस यानी बेबी पर भी पड़ सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी में हो तो उससे बेबी, लार्ज बेबी पैदा होता है, उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है डिलीवरी के समय, डिलीवरी के दौरान उनको लो शुगर होने की आकांक्षा रहती है, आशंका रहती है। और मदर में अगर डायबिटीज कंट्रोल में ना हो तो उनके अंदर का जो फ्लूड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, जिससे बेबी को लंग डिस्ट्रेस हो जाता है, प्लस मदर में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी भी गर्भवती महिलाएं अगर जो उनको डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डेवलप हुई है, और अगर वो पहले से डायबिटिक थे और अब प्रेग्नेंट हो गई हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत सारे आपको एडवाइस देंगे कि जब आप प्रेगनेंसी में जब आपको डायबिटीज आती है आप दवाई का इस्तेमाल मत करिए, आप इंजेक्शन मत लीजिए, आप केवल डाइट को कंट्रोल करिए। ये सोच के चलिए प्रेगनेंसी में एक ही चीज़ है जिससे हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, वो है इंसुलिन। कई लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक दवाई मेटफॉर्मिन होती है, लेकिन वो बड़ी सोच समझ के डॉक्टर के एडवाइस पर ही दे सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है कि हम वो मेट्रोमिन हर एक महिला को दें। कहने का अक्सर तात्पर्य ये निकलता है कि इंसुलिन जो है सबसे सेफेस्ट ट्रीटमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको डायबिटीज हो जाती है। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, जब आपकी डिलीवरी के बाद आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, आप इसको भूलिए मत, क्योंकि फ्यूचर में आपको डायबिटीज होने की और भी ये प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है। हम कहते हैं जब डिलीवरी जाती है उसके 6 हफ्ते बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद अपनी शुगर की जांच जो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से करवाते रहिए, और देखिए कि कहां पर वो एबनॉर्मल होता है, जिसका आप केयर पहले से ले सकते हैं और फ्यूचर में डायबिटीज होने से बच सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ईट हेल्दी, फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मॉडरेशन, ईट वेल इन द स्मॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट मील्स, अवॉइड डायरेक्ट शुगर एंड हैव ए हेल्दी बेबी। थैंक यू वेरी मच।